The correct sequence of reagent for the following conversion from this to this. हमें ये reactant दिया हुआ है और ये product और हमें यहाँ से यहाँ convert करना है. अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये थीटोन को भी हमें alcohol में convert करना है 3 degree में और aldehyde को भी 3 degree alcohol में convert करना है. अब हमें पता है कि aldehyde तो 2 degree alcohol बनाते हैं तो हमें ऐसा reagent चाहिए कि जिससे कि हम इसको या तो कीटोन में convert कर सकें या फिर अगर हम aldehyde से carboxylic को हम ester बना लेंगे और ester से फिर 3 degree alcohol बन जाता है. अब आपको reagent समझ आ गया. तो इसमें जो ऑप्शंस दी हुई हैं तो उसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है. अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड को मिथेनॉल से रिएक्ट कराएंगे तो एस्टर बन जाएगा. एस्टर को हम ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट कराएंगे तो देन इट कैन बी फॉर्म्ड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द 3 डिग्री अल्कोहल. अब आपको सीक्वेंस समझ आ गया कि हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराएंगे टॉलेंस एजेंट से तो उससे वो क्या बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड. फिर उसे अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे, रिएक्ट कराने से वो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा. और एस्टर बनने पे वो बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल से. और कीटोन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी अल्कोहल जो होती है वो लेस होती है. तो इसका मतलब एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक से एस्टर और उसके बाद हम ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराएंगे तो कीटोन जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और एस्टर भी 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आप देखिए अगर हमने इसे अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराया, ये OH- की प्रेजेंस में है, अल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में जाएगा. अब क्योंकि ये अल्कलाइन मीडियम है तो COOH तो लिख नहीं सकते. फिर हमने H+ मिथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो H+ है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो बन ही जाएगा. अल्कोहल और एसिड मिलके क्या बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे. अब अगर ये एस्टर बन जाता है तो अब हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट कराया तो ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कराओगे तो ये पहले कीटोन पे भी रिएक्ट करेगा, कीटोन पे रिएक्ट करके उसे 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्ट कन्वर्ट कर देगा. एसिडिफिकेशन हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं. अब इसी तरह से ये इसको पे ऊपर भी अटैक करेगा, यही रिएजेंट जो है वो इस पे भी अटैक करेगा, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अगर सब्स्टिट्यूशन होगी तो ये OCH3- बाहर जाएगा तो COCH3 बनेगा. तो पहले कीटोन बनेगा, कीटोन फर्दर किसमें चला जाएगा, कीटोन फर्दर किसमें चला जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल में चला जाएगा. अब आपको समझ आ गई बात ये चीज.